आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि नई जानकारी, जैसा कि आप लोगों का कमेंट था और आप लोगों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं कि एपीएस के लिए, रिचार्ज के लिए और मनी ट्रांसफर के लिए कौन सी कंपनी को यूज किया जाए, तो उसी के बारे में रिलेटेड ये वीडियो और पूरी कन्फ्यूजन को आपको पूरी तरह से दूर किया जाएगा इस वीडियो में, और आपको बताया जाएगा और पूरी तरह समझाया जाएगा एक एक प्रूफ के साथ आपको कौन सा आईडी लेना चाहिए, कौन सी कंपनी में ज्वाइन करना चाहिए। अभी हम आपको एक स्पाइस मनी जो कि इंडिया की टॉप एपीएस कंपनी में आती है उसी को टक्कर देने के लिए एक कंपनी आई है जिसका नाम है इजी फोर पे। ये इजी फोर पे की ऑफिशियल वेबसाइट है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इनके पॉपुलर सर्विसेज है और यहाँ पे इनका पूरा कॉन्टेक्ट वगैरह दिए गए हैं। तो ये इनकी वेबसाइट का होम डैशबोर्ड और ये मेरा स्पाइस मनी का आईडी जो कि मैंने लॉग इन कर रखा है। मैंने दोनों के बारे में आपको बताएंगे इस दोनों में से कौन सी कंपनी आपको लेना चाहिए। स्पाइस मनी टॉप इंडिया की कंपनी है जो कि अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसको भी डाउन कर रही इजी फोर पे। तो कैसे डाउन कर रही, क्या इसमें खूबी है, क्या सर्विस मिलता है, क्या कमीशन मिलता है, टोटल हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए ये एपीएस कंपनी जो कि स्पाइस मनी की है, सबसे पहले बात कर लेते कौन सी कंपनी में क्या क्या सर्विस मिलने वाला है उसके बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे स्पाइस मनी के लिए अलग से पूरा सर्विस के बारे में और कमीशन के बारे में बनाया है, और एक मैंने इजी फोर पे जो कि कंपनी है जो कि स्पाइस मनी को भी डाउन करे उसके बारे में आपको बताया। दोनों में क्या क्या सर्विस है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहा होगा और हम आपको पूरी सी विस्तार से बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले स्पाइस मनी की बात कर लेते हैं। स्पाइस मनी में आपको एएपीएस मिलेगा, मतलब जिससे आधार कार्ड की रुपया निकासी करेंगे एएपीएस उनको कहते हैं। एपीएस आपको स्पाइस मनी में मिलने वाला इंडसलैंड बैंक का प्लस आरबीएल बैंक का, और वहीं इजी फोर पे में आपको एपीएस मिलने वाला आईसीआई बैंक का जो कि सबसे बड़ी बैंक है और जो कि इंडिया में नहीं वर्ल्ड में इनका ब्रांच है, ठीक है। तो आईसीआई बैंक का इनका एपीएस है। उसके बाद डीएमटी की सर्विस की बात करते हैं, डीएमटी यानी कि मनी ट्रांसफर सर्विस। मनी ट्रांसफर सर्विस एपीएस स्पाइस मनी आपको देगी फिनो पेमेंट बैंक का प्लस इंडसलैंड बैंक का, ठीक है। फिनो का और इंडसलैंड बैंक का यहाँ पे आपको मनी ट्रांसफर दे रही है स्पाइस मनी, और यहीं पर उसी के चक्कर में इजी फोर पे आपको मनी ट्रांसफर की दे रही है एयरटेल पेमेंट बैंक प्लस इको का। इको क्या है, इको इंडिया की टॉप मनी ट्रांसफर प्रोवाइड कंपनी जो कि बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है और कम चार्ज में आपको मनी ट्रांसफर करती है। बहुत अच्छा सर्विस इनका इको देता है इंडिया में, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है मनी ट्रांसफर में इको और एयरटेल पेमेंट बैंक। यहाँ पे इजी फोर पे में आपको एयरटेल पेमेंट बैंक और इको का मिल रहा है मनी ट्रांसफर। उसके बाद मैंने आता है मोबाइल रिचार्ज। मोबाइल रिचार्ज में यहाँ पे आपको एयरटेल प्लस जियो में मिलने वाला है स्पाइस मनी की ओर से 0.5%, उसके अदर जो भी है ये तो यहाँ पे 2% मिलने वाला है। और यहीं पे इजी फोर पे की बात कर ले तो यहाँ पे देख लीजिए मोबाइल रिचार्ज सभी कंपनी में आपको 3% दिया जाएगा और प्लस जियो में 5% दिया जाएगा। तो चलिए अब ये हम आपको पोर्टल पे दिखाते हैं। तो उसके लिए हम स्पाइस मनी में यहाँ दिया गया एयरटेल एंड जियो के लिए 0.5% कमीशन। तो इसके लिए मैं स्पाइस मनी के पोर्टल पे आया, यहाँ पे देखिए एक अलर्ट एंड अपडेट है, इसमें देखिए लिखा गया पूरी चीज यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए एक न्यूज में चल रहा है, एयरटेल एंड जियो रिचार्ज आर वर्किंग नो कमीशन आर चेंज, यहाँ पे देखिए लिखा गया एयरटेल एंड जियो एट 0.5%, मतलब कि एयरटेल और जियो में यहाँ पे 0.5% आपको कमीशन मिलेगा। उसके अलावा जो आइडिया, वोडाफोन या अदर कोई भी कंपनी है तो वहाँ पे आपको 2% कमीशन मिलेगा। मतलब कि जो कंपनी ज़्यादा रिचार्ज एयरटेल का ही होता है और जियो का, ये दो कंपनी का ज़्यादा रिचार्ज होता है तो इसमें कंपनी आपको बहुत कम कमीशन देगी, 0.5%, और अदर में 2% देगी। तो वहीं यहाँ पे बात कर लेते इजी फोर पे, इजी फोर पे में सभी कंपनी में आपको 3% कमीशन मिलेगा और जियो में आपको 5% यानी कि 5% कमीशन मिलने वाला है। उसी के साथ साथ पैन कार्ड की बात कर लेते हैं, पैन कार्ड आपको मिलेगा स्पाइस मनी यूटीआई का। यूटीआई पैन कार्ड यहाँ पे यूटीआई का मिलेगा। यूटीआई में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है जैसे कि फोटो क्रॉप करना, सिग्नेचर क्रॉप करना, फोटो की रिसाइज करना और डीपीआई कम बेस करना, वो सारा बहुत सारा प्रॉब्लम आता है यहाँ पे आपको यूटीआई में। वहीं पर यहाँ पे इजी फोर पे आपको दे रही पैन कार्ड की एनएचडीएल और यूटीआई की दोनों सर्विस दी रही है। यहाँ पे जो आपको मिल रहा है एनएचडीएल यूटीआई, यानी कि एनएचडीएल में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्म अपलोड करना होगा, ना फोटो क्रॉप करना होगा, ना सिग्नेचर क्रॉप करना होगा, और दो दिन में आपका पैन कार्ड यहाँ पे एनएचडीएल के द्वारा बन जाता है। यहाँ पे यूटीआई की भी फैसिलिटी दी गई है, अगर यूटीआई यूज करना चाहिए तो यूटीआई भी यूज कर सकते हैं।
उसी के साथ साथ यहाँ पे स्प्लैश मनी में बिल पेमेंट अगर करेंगे, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, तो यहाँ पे आपको 0% कमीशन मिलेगा, मतलब 1 रुपये आपको कमीशन नहीं मिलेगा। वहीं अगर बात कर लेते इजी फोन पे के, तो यहाँ पे आपको बिल पेमेंट मिलेगा 2%, और वाटर बिल पेमेंट इसमें आपको मिलेगा, वाटर बिल पेमेंट सर्विस स्प्लैश मनी में मिलेगा और इजी फोन पे भी मिलेगा, और गैस बुकिंग, गैस बुकिंग और कैश कलेक्शन आपको स्प्लैश मनी में मिलेगा प्लस इजी फोन पे में मिलेगा, और आधार पे यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे आधार पे भी मिलेगा, और यहाँ पे टिकट बुकिंग स्प्लैश मनी में भी मिलेगा, और इसमें भी इजी फोन पे में टिकट बुकिंग आपको मिलेगा। और एक सर्विस और इसमें इजी फोन पे में, बहुत जल्द आ रही है मिनी स्टेटमेंट, ये जो मिनी स्टेटमेंट है कमिंग सून, यानी कि मिनी स्टेटमेंट की सर्विस जो ये बहुत जल्द इजी फोन पे में ऐड हो जाएगी, ये एक सर्विस आपको ऐड होने वाली है। ये तो दोनों कंपनी की मैंने आपको सर्विस के बारे में बता दिया, और कौन सी कंपनी में कौन सी सर्विस मिलेगी, और कौन सा कंपनी में कौन सा सर्विस, और कौन सा सर्विस में कौन क्या कमीशन है, वो आपने इस वीडियो में जाना। अब चलिए आगे बात करते हैं कंपनी की पोर्टल के डैशबोर्ड के बारे में और कमीशन के स्ट्रक्चर के बारे में पूरी चीज़ और विस्तार से बताते हैं। तो ये इजी फोन पे की ऑफिशियल वेबसाइट है, और ये स्प्लैश मनी की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि मैंने लॉगिन कर रखा है। यहाँ पे ये स्प्लैश मनी का आपको मिलेगा मनी ट्रांसफर, और यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन, यहाँ मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, यहाँ पे APS रुपया निकाल सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, कैश कलेक्शन वगैरह, यहाँ पे आप फ्लाइट टिकट रिचार्ज वगैरह, ये सब बिजली बिल और पैन कार्ड, टिकट बुकिंग वगैरह, यहाँ पे ये सब सर्विस आपको मिलने जा रहा है। ये सब सर्विस आप देख लीजिए कौन कौन सर्विस आपको मिलने जा रहा है स्प्लैश मनी में। और स्प्लैश मनी अगर आप लेते हैं तो इसमें एक और प्रॉब्लम आती है कि मतलब कि पोर्टल को यूज कीजिए या यूज नहीं कीजिए, फिर भी आपको 59 रुपीज़ पोर्टल चार्ज देना होता है हर मंथ। तो ये तो हो गया स्प्लैश मनी के बारे में, कमीशन के बारे में, 59 रुपीज़ पोर्टल चार्ज हर मंथ देना होगा आपको। उसी के साथ साथ अगर आपका, आपको मैं बता दूँ उसी के साथ साथ ये इजी फोन पे, अब मैं इजी फोन पे को यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूँ, इजी फोन पे को लॉगिन करूँगा, मैं इसका मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर भी, वो भी आईडी लॉगिन करके दिखाऊंगा उसमें आपको क्या क्या सुविधा मिलने वाला है। यहाँ पे यूजर आईडी देंगे और यहाँ पे पासवर्ड देंगे और लॉगिन करेंगे, लॉगिन पे क्लिक। तो ये देखिए लॉगिन हो चुका है, लॉगिन होने के बाद कुछ डैशबोर्ड इस तरह दिखता है, और यहाँ पे इनकी सर्विसेज है मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, पोस्टपेड, लैंडलाइन और बिल पेमेंट, गैस, ब्रैंडबोर्ड, वाटर, DMT, APS, और यहाँ पे देखिए PEA, मतलब कि PEA यहाँ से आप NHDL से पैन कार्ड बना सकते हैं, और PSA यहाँ पे मतलब कि UTI से, यहाँ पे PES पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप NHDL से पैन कार्ड बना सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पैन ई सर्विस को सिलेक्ट करेंगे। जैसे भी इस पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कस्टमर का नाम, कस्टमर का मोबाइल नंबर, कस्टमर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, ये सब फादर्स नेम देना होगा। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, आधार नेम, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे आपको आईडी प्रूफ अपलोड करना होगा, ये सब अपलोड करेंगे, उसके बाद सेव कर देंगे तो आपका ये पैन कार्ड अप्लाई हो जाएगा और रिसिप्ट आपको जनरेट हो जाएगा। उसी की बात करते हैं आप पैन कार्ड की UTI, तो UTI PSA भी क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे PSA भी क्लिक करेंगे। जैसे PSA भी क्लिक करेंगे, जैसे आपकी आईडी जनरेट होती है, जैसे आपकी ये आईडी बनती है, तो इसी के साथ साथ आपका PSA आईडी भी जनरेट कर दिया जाता है। PSA आईडी अपना जानने के लिए यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे, आईडी पासवर्ड अपना PSA के जानने के लिए व्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, उसी के साथ साथ आपका जो यूजर आईडी रहेगा, पासवर्ड रहेगा, वो शो करेगा। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप UTI से पैन कार्ड बना सकते हैं। और बात, खास बात ये है कि ये जो कंपनी है इजी फोन पे, ये डायरेक्ट UTI से ली हुई है परमिशन। जैसे कि इनका आईडी में देखिएगा तो EG4 उसके बाद आईडी का रहेगा नंबर, मतलब अगर आप दूसरी जगह से किसी थर्ड पार्टी से या इसका आईडी लेते हैं तो वो आपको मिलेगा आईडी PSA करके, ठीक है। लेकिन अगर आप इनसे लेते हैं, ये डायरेक्ट UTI से परमिशन लिए हुए, UTI से इनका डायरेक्ट लिंक है, तो इनका जो आईडी मिलता है वो EG4 पे, यानी कि कंपनी का नाम भी आपको आईडी में रहेगा और साथ साथ कोड भी रहेगा। अगर आप किसी थर्ड पार्टी से लेते हो तो आपको जो आईडी मिलेगा वो PSA से आईडी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो EG4 पे है, EG4 पे में आपको डायरेक्ट पैन कार्ड एजेंसी UTI से आईडी जनरेट करके दिया जाता है, जो कि आपको उसमें कंपनी का नाम भी मिलेगा, EG4 उसके बाद कोड रहेगा, मतलब आपका कोड रहेगा। इस कोड को कॉपी करेंगे और यहाँ पे PSA में लॉगिन करेंगे, इंटर करेंगे इस पर, और यहाँ पे पासवर्ड देंगे, जो पासवर्ड मिला आपको यहाँ पे कैप्चर जो मिले, इस कैप्चर को फिलअप, कैप्चर देने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर, जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे आपको बोलेगा पासवर्ड चेंज करने के लिए, तो यहाँ पे अपना पुराना पासवर्ड दीजिए,
यहाँ पे जो करंट पासवर्ड वो देंगे और यहाँ पे न्यू पासवर्ड देंगे और उसी न्यू पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो फिर से रिडायरेक्ट कर देगा आपको यहीं पे, फिर से आपको इस लिंक पे जाना होगा, फिर से आपको यहाँ पे अपना आईडी डालना होगा और जो पासवर्ड आपने चेंज किया तो वो पासवर्ड देना होगा। उसी के साथ साथ यहाँ जो कैप्चर मिल रहा है आपको दिखने को, ये कैप्चर आपको यहाँ पे फिलअप कर देना होगा कुछ इस तरह। कैप्चर फिलअप करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे इसको आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बताएगा आपका जो कितना अवेलेबल कूपन है वो आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है, और कितना पैन कार्ड आपका डिस्पैच हो चुका है वो आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक। उसका कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे भी इस पर क्लिक करेंगे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होता है, यहाँ पे टिक मार्क लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका पूरा डिटेल आ जाएगा, जैसे आपका दुकान का नाम, आपका नाम, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, वह सारा चीज़, पैन कार्ड नंबर आ जाएगा जो आपने आईडी लेते वक्त दिया था। पूरा डिटेल आपका सही है तो यहाँ पे सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप लॉगिन हो चुके, आपका दुकान का नाम वो रहेगा, पूरा चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो उसी के साथ साथ यहाँ पे न्यू कार्ड पैन कार्ड बनाने के लिए फॉर्म 49A पे क्लिक करेंगे और सुधार करने के लिए यहाँ पे CSF पे क्लिक करेंगे। यहाँ अपने अकाउंट के बारे में पूरा जानकारी ले सकते हैं और पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ से चेंज पासवर्ड यहाँ पे देख सकते हैं आपने किन का पैन कार्ड बनाया, डॉक्यूमेंट भेजा या नहीं भेजा, और यहाँ से लॉग आउट करके आप पैन कार्ड बना सकते हैं, ठीक है, पैन कार्ड आईडी से लॉग आउट हो सकते हैं। ये तो NHDL UTI दोनों के पैन कार्ड के बारे में हम बता दिए, पैन कार्ड इनका डायरेक्ट UTI से है। उसी के साथ साथ कमीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको वॉलेट मिल जाएगा, जो भी आपका वॉलेट होता वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। और यहाँ पे आपको फंड रिक्वेस्ट, मतलब अगर किसी से अपने डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी की ओर से आपको अपने वॉलेट रुपया ऐड करवाना है तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर का होगा, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, वो सारा उसको सेलेक्ट करना होगा, किससे लेना चाहते हैं उनका अकाउंट नंबर शो करेगा। अगर कंपनी से लेना चाहते हैं एडमिन को सेलेक्ट करेंगे, कंपनी का अकाउंट नंबर शो करेगा। किसी भी अकाउंट में पेमेंट डाल के आप यहाँ फंड रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा किस अकाउंट में आपने पेमेंट किया, उस अकाउंट नंबर आ जाएगा, मोड सेलेक्ट करेंगे, कितना रुपये किया वो सब आपको यहाँ पे दे देना होगा। ये तो क्या फंड रिक्वेस्ट वॉलेट रुपया ऐड करने के लिए, बहुत जल्द यहाँ पे आपको आ रहा है खुद से रुपया ऐड कर सकते हैं ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग माध्यम से। और यहाँ पे सर्विसेज आपको पूरी सी सर्विसेज मिल जाती है। यहाँ पे कमीशन लिस्ट, यहाँ पे आप कमीशन लिस्ट देख सकते हैं कौन सी सर्विस आपको क्या कमीशन मिल रहा है। उसी के साथ यहाँ पे यूजर रिपोर्ट पाएंगे, यहाँ पे अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं, रिचार्ज रिपोर्ट, DMT रिपोर्ट, AAPS रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट आपको यहाँ पे देख सकते हैं, सेटलमेंट रिपोर्ट, डिस्पैच सेटलमेंट, सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक रिचार्ज रिपोर्ट। रिचार्ज रिपोर्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन नंबर, कौन सा नंबर क्या है, कौन से कंपनी में कब किए, समय क्या है, कितना रुपए किए वो दिखेगा। रिचार्ज करने से पहले आपके पास कितना वॉलेट था, रुपया था, ठीक है, वो शो करेगा। कितना का रिचार्ज किए वो आपको यहाँ पे शो, आपके वॉलेट से कितना रुपये कटे हैं वो शो करेगा, और आपको कितना कमीशन मिला ये हो। यहाँ पे देखिए मैंने 249 का रिचार्ज किया था तो 4 रुपये यानी कि 98 यानी कि 5 रुपये कमीशन मिला। उसके बाद कितना बचा वो, और ये सक्सेस हो गया है, यहाँ पे सक्सेस भी दिखाएगा, इनका सभी रिचार्ज वगैरह सक्सेस हो जाता है। ये तो इनका रिटेलर हो गया, और इनका मोबाइल एप्लीकेशन भी, मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हो। और यहाँ भी आपको कुछ जैसे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, अकाउंट वगैरह सारा चीज़ आपको यहाँ पर मिल रहा है। उसी के साथ यहाँ पर अपने नाम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना दुकान का नाम, अपना बैलेंस देख सकते हो, अपडेट प्रोफाइल कर सकते हो, अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी पूरी डिटेल रहेगी। अगर आप सेटलमेंट अकाउंट चेंज करना चाहते हो तो यहाँ सेटलमेंट अकाउंट चेंज करेंगे, और यहाँ अपडेट बैंक डिटेल पे क्लिक करके आप अपना सेटलमेंट अकाउंट भी चेंज कर सकते हैं खुद से। उसी के साथ साथ फिर से इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कॉल मी का ऑप्शन मिल रहा है, और यहाँ पर भी आपको कॉल मी का ऑप्शन मिल रहा है। अगर इसमें किसी तरह का आपको प्रॉब्लम हो रहा है, इशू आ रहा है, तो यहाँ पर कॉल मी पर क्लिक करेंगे या इस पर आप क्लिक करेंगे तो अपना मोबाइल नंबर देंगे, सबमिट कर देंगे। जैसे मैं ये मोबाइल नंबर दिया, सबमिट किया तो यहाँ पर कॉल रिक्वेस्ट बता रहा, कस्टमर केयर आपको कॉल करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेंज पासवर्ड कर सकते हैं, चेंज पिन कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर करते वक्त आपको पिन मांगेगा। और यहाँ पे लॉग आउट ऑल डिवाइस, अगर आपका आईडी 10 मोबाइल में 10 सिस्टम में लॉगिन है तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा। इस सिस्टम से लॉग आउट करने के लिए यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करेंगे। तो इस वीडियो में आपने देखा स्पाइस मनी VS वर्सेज EG4 पे, तो ये दोनों कंपनी में कौन सी कंपनी का आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जो भी कंपनी का आपको आईडी चाहिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, सबसे अच्छा तो EG4 पे ही है। अगर लेना चाहिए इसका आईडी तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत अच्छा कमीशन और बहुत अच्छा सर्विस के फास्ट आपको मिलता है। और AAPS भी सर्विस आपको मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन करके। AAPS भी यहाँ AAPS भी क्लिक करेंगे, AAPS भी क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह ओपन होगा। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना होगा, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे कैश विड्रो या बैलेंस क्या करना चाहिए तो वो सारा दोनों
चीज़ यहाँ पे मिल रहा है, और बहुत जल्दी यहाँ पे आपको मिनी स्टेटमेंट का भी ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे देखिए आपका दुकान का नाम, यहाँ वेरीफाई अकाउंट, और यहाँ पे देखिए प्रोसीड बाय ICICI बैंक के द्वारा इनका है। तो यहाँ पे आपको टॉप टी ट्रांजेक्शन भी मिल जाएंगे, बैलेंस इंक्वायरी, कैश विड्रो, अगर इसका रसीद फिर से निकालना चाहते हो या ट्रांजेक्शन नंबर क्लिक करेंगे तो फिर से इनका रसीद आप निकाल, जैसे मैंने कैश विड्रो किया था, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ था, वो सारा चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है। तो अभी का सबसे अच्छा कंपनी इजी फोर पे, जो अच्छी कमीशन के साथ, अच्छी सर्विस, अच्छी सपोर्ट के साथ आपको मिल रहा है। अगर लेना चाहते हैं इसका रिटेलर आईडी या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में आपको अलग से वीडियो में बताएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में कैसे ले, कैसे उनका क्या क्या उसमें आपको फ्यूचर मिलेगा, वो सारे चीज़ आपको बताएंगे। खास बात इसमें एक बात और है कि अगर इजी फोर पे कर लेते हैं 10 मिनट के अंदर आपका आईडी बन जाता है, आधा घंटे के अंदर आपका APS एक्टिवेट हो जाता है। अगर स्पाइस मनी का लेना चाहते हो तो यहाँ पे 24 घंटे आपको आईडी आने में लगेगा और 24 घंटे आपको लगेगा APS एक्टिवेट में। तो यहाँ पे इजी फोर पे आपको 10 मिनट में आईडी देगी और आधा घंटा के अंदर APS भी एक्टिवेट कर देती है। तो उम्मीद करेंगे ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर इसके डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में जानना है, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में क्या क्या आपको फीचर मिलता है, क्या क्या आपको कर सकते हैं और कैसे रिटेलर बना सकते हैं, उसके बारे में आपको वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।